हाय गाइस, आई एम भाग्यश्री। वेलकम टू कुक विद शगुन। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी खाया है बिना चॉकलेट, बिना कॉफ़ी, बिना कोको पाउडर वाला चॉकलेट कॉफ़ी केक, वो भी बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर और इनो से बना हुआ? नहीं ना? तो चलिए आज हम बनाते हैं बिना कोको पाउडर, बिना चॉकलेट, बिना कॉफ़ी, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर और इनो वाला केक। तो चलिए देखते हैं इस केक को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चॉकलेट कॉफ़ी केक। तो आप सबसे पहले क्या करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल बटन है उसको प्रेस करिए और उसके बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी प्रेस करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसको गैस पे रख दिया है और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। ये नमक मैंने पहले भी यूज़ किया है बेकिंग में, तो उसको आप ऐसे फैला दीजिए। उसके बाद ढक्कन ढकने के बाद हम कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे। ये क्या बन जाएगा, हमारा एक ओवन ही बन जाएगा। जैसे हम ओवन को प्रीहीट करते हैं वैसे हम कढ़ाई को भी प्रीहीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 3 हाइड एंड सिक बिस्किट, जो चॉकलेट एंड कॉफ़ी फ्लेवर में आते हैं वो लिए हैं, और ये है तकरीबन 360 ग्राम है। तो बस हम इसे क्या करना है, एक मिक्सी जार लेना है और उसमें हमें ये पैकेट में जो बिस्किट है वो निकाल के थोड़े से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिक्सी में पीस लेना है, एक फाइन पाउडर बना लेना है, क्योंकि हमारा जो बैटर है केक का वो इसी से ही बनेगा। तो इसी तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिक्सी में पीस लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पर हम कोई मैदे और आटे का यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसी तरह से बिस्किट से केक बना सकते हैं। आपके पास अगर कोई और कॉफ़ी और चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट हो तो आप उससे भी बना सकते हो। गाइस, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी केक, एकदम चॉकलेट एंड कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ रहा था केक में। तो बस इसी तरह से हम एक एक करके जो हमारा पाउडर है वो तैयार कर लेंगे। आप एक साथ मिक्सी में मत पीसिएगा वरना आपका मिक्सी बिगड़ सकता है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसको पीस लीजिए एक अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो सारा बिस्किट पाउडर है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर वाला दूध है, हमें ठंडा दूध नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दूध लिया है और इसी से हम हमारा बैटर तैयार करेंगे। तो हम दूध एक साथ नहीं डालेंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो बैटर है एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें केक को फुलाना है। तो यहाँ पे सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे और इनो भी नहीं हम डाल रहे। तो यहाँ पे मैंने पुदीन हरा लिया है और उसके मैंने लिए है 1 टीस्पून मैंने पुदीन हरा लिया है फ्रूट सॉल्ट। तो अब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच दूध डाल देंगे, उसके बाद हम मिक्स करेंगे क्योंकि हमें उसको एक्टिवेट करना है। तो अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, हम इसको जेंटली मिक्स करेंगे और हमारा बैटर रेडी है। तो दूसरी तरफ हमने क्या किया है, एक केक टिन लिया है, ये 5 इंच का केक टिन है। तो इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद जो हमारा बैटर है उसमें मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम टैप करेंगे 6 से 7 बार, जो एयर बबल्स है जो हमारे बैटर में वो निकल जाए। और यहाँ पे मैंने जो हमारा केक टिन है उसको मैंने कढ़ाई में रख दिया था, जो कढ़ाई हमने रीहीट की थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 40 से 45 मिनट तक उसको लो फ्लेम में पकने देंगे, और जब तक आपका केक ना पके तब तक उसको पकाइए, थोड़ी देर भी लगेगी और जल्दी भी पक जाएगा। तो यहाँ पे टूथपिक क्लियर आ रहा है, इसका मतलब है हमारा केक एकदम बिल्कुल बेक हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद ही हम डिमोल्ट करेंगे।
तो ये केक बहुत ही अच्छा बनता है गाइस। आप देख सकते हो ये केक एकदम इजीली डिमोल्ट हो चुका है और ये एकदम सॉफ्ट भी बना था और केक खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप दूध डाल दिया है और यहाँ पे हम गनाश चॉकलेट से नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अमूल प्रो चॉकलेट पाउडर आता है वो 1/2 कप यहाँ पे मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम थिकनेस लाने के लिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच जो पाउडर शुगर है वो डाला है और इस सब में हम डालेंगे एक वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के हम 3-4 ड्रॉप्स डाल देंगे, उससे एक अच्छा फ्लेवर भी आएगा। उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स दे देंगे और इसको हमें पकाना है। अब लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, अब हम इसको अब गैस पे चढ़ाएंगे, तो बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है और इसको कंटिन्यूसली हमें हिलाते रहना है। तो 5-7 मिनट के बाद ये थिक हो जाएगा और अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगा। तो हमारा जो गनाश है वो एकदम रेडी हो चुका है, तो गैस की फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और उसको एकदम ठंडा होने देंगे और जब वो ठंडा हो जाएगा तो हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो वो अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा थिक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी 1.5 कप, उसको मैंने बीट कर लिया था और उसके बाद हम हमारा जो ठंडा गनाश हमने किया है वो हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा गनाश हम इसमें रहने देंगे। अब उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे तो अच्छी तरह से जो हमारा चॉकलेट गनाश है वो हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है उसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा केक एकदम ठंडा हो चुका है, तो हमने क्या किया कि जो टॉप पार्ट है हमने उसको कट कर लिया है और हम आज क्या करेंगे केक को 3 लेयर में डिवाइड करेंगे। आपको 2 लेयर में करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, आप चाकू की मदद से कर सकते हो या धागे की मदद से भी लेयर इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक केक बोर्ड लिया है, उसके ऊपर मैंने क्रीम अप्लाई की, थोड़ी सी लगाई है, वो क्या करेगा जो हमारी केक है उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे हमारा केक का 1st लेयर मैंने रखा है और उसके ऊपर मैं यहाँ पे शुगर सिरप अप्लाई कर रही हूँ जो हमारे केक को एकदम मॉइस्ट बनाएगा। उसके बाद हमने जो व्हिपिंग क्रीम तैयार की थी हमारी वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। आपके पास अगर पैलेट नाइफ ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी उसको फैला सकते हो या आप पाइपिंग बैग में भर के उसको इजीली उसका एक लेयर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हमारी जो व्हिप क्रीम है उसको मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। उसके बाद हमारा जो ये गनाश हमने बनाया था तो हम उसको भी थोड़ा फैला देंगे तो उससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा। आप अगर इस गनाश में कॉफ़ी ऐड करना चाहते हो तो दोस्त आप यहाँ पर क्या करिए कि 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लीजिए और गनाश में मिला दीजिए। यहाँ पे मैंने 2रा लेयर भी केक का लिया है और इसी तरह से हम आगे प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ पे शुगर सिरप अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम लेंगे और उसके ऊपर हम गनाश फैला देंगे। उसके बाद हमारा 3rd लेयर भी इसी तरह से हम कर लेंगे और उसके ऊपर भी हम शुगर सिरप अप्लाई करेंगे और हम हमारे जो केक है उसको इजी तरह से कवर कर लेंगे केक की मदद से।
यहाँ पे मैंने एक फाइल का टुकड़ा लिया है और इसकी मदद से यहाँ पे मैं केक को थोड़ा फिनिशिंग दे रही हूँ। फिनिशिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, केक को 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, तो हमारी जो क्रीम है वो अच्छी तरह से थोड़ी सी सेट हो जाएगी, उसके बाद ही हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो हमारी केक ठंडी हो चुकी है और यहाँ पे जो चॉकलेट गनाश हमारा बनाया था हमने अमूल प्रो से, उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर दिया है। उसके बाद हम इसी तरह से इसमें डिज़ाइन करेंगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको दूसरी तरह से डिज़ाइन करना हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये जो चॉकलेट गनाश है उसको मैं चम्मच की मदद से फैला रही हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी हम गनाश को ड्रिप भी कर रहे हैं केक के किनारे पर, और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी नोज़ल ली है, उसको पाइपिंग बैग में भर दिया है और यहाँ पे जो हमारा क्रीम था वो भी यहाँ पे मैं भर लूँगी पाइपिंग बैग में। तो बस इसी तरह से हम क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के यहाँ पे केक के ऊपर हम यहाँ पे फ्लावर डिज़ाइन तैयार करेंगे। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप उसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो बस इसी तरह से आप वीडियो में देख रहे हो इसी तरह से आप डिज़ाइन तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जो गोल्डन शुगर बॉल आते हैं छोटे वाले वो लिए, इससे क्या होगा कि केक थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो बस इसी तरह से मैंने जो फ्लावर तैयार किए थे उस पर भी मैंने थोड़े बड़े वाले थे मेरे पास तो वो भी मैंने डाल दिए हैं और बीच में छोटे वाले डाल दिए हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये केक भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए और अपने फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में उसको शेयर कीजिए। और हाँ, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत ही नया वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।